एक दिन के लिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एनडीटीवी को बैन किया गया था। बाकी और चैनल बताइए नेशनल मीडिया में, क्या कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि किसी को एक दिन के लिए बैन किया जाए? 403 करोड़ की कंपनी को अडानी ग्रुप्स ने सिर्फ 113 करोड़ में खरीद लिया। विष्णु प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड जो 2008 में कंपनी बनी थी, इनके दो डायरेक्टर्स हैं। अब इन डायरेक्टर्स का कनेक्शन देखिए अडानी से कैसे निकलता है। 23 अगस्त को एमजी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने वीसीपीएल को एक्वायर किया और 26 अप्रैल 2022 को ही, मतलब 23 अगस्त 2022 को कंपनी बिक गई, उसके पहले ही सुदीप्ता भट्टाचार्य उसकी डायरेक्टर बन चुकी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद अडानी डिजिटल लैंप्स में 22 सितंबर 2021 को सुदीप्ता भट्टाचार्य डायरेक्टर बन चुकी थी। इतना ही नहीं, मतलब डायरेक्टर्स पहले ही अडानी ग्रुप में जा चुके थे, कंपनी तो बाद में गई है। टोटल 17,707 करोड़ रुपए में 16,845.6 करोड़ रुपए तो इन्होंने अडानी की कंपनी में लगा रखे हैं। और ये एनडीटीवी को चलाने के लिए नहीं खरीदा गया है, ये एनडीटीवी को गिराने के लिए खरीदा गया है। 30 नवंबर को सोशल 30 नवंबर के दिन के बाद से सोशल मीडिया पर ऐसा लग रहा है कि पत्रकारिता जगत का कुछ तो कम हो गया है, या पत्रकारिता जगत में एक नया फेज आ गया है या एक नई आंधी आ गई है। समय क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 30 नवंबर के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि कोहिनूर का हीरा था टीवी मीडिया का, वो अब निकल गया है या उसको निकाल दिया गया है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ना दो धड़ा बट गया है, एक धड़ा जो सहानुभूति दिखा रहा है, जो प्यार और न जाने क्या क्या चीज़ों से सम्मानित कर रहा है रवीश कुमार को, और एक धड़ा जो है वो खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। अब वो खिल्ली कई तरीके का है, उनका जो अवार्ड है उसको लेकर भी है, फिर उनके बुढ़ापे को लेकर है। मनोज मुंतशिर का एक ट्विटर पर एक ट्वीट था जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इस तरीके का मजाक सही नहीं है। मतलब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आकर एक उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि अब मैग्सेसे अवार्ड वाले बुजुर्ग बेरोजगार के लिए भी भारत सरकार कोई रोजगार ढूंढ दे। उसके बाद एक कवित्री हैं जो बहुत चर्चित हैं, जो योगी जी के बाबा हैं करके गाना गाती हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। तो दो धड़ा बटा हुआ था, ले देके रवीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक ही तो टीवी मीडिया के पत्रकार थे जो सरकार से सवाल करते थे, और एक दो तीन लाइन बड़ी चर्चित हुई कि क्या बोलते हैं, अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं बनाया, भारत सरकार ने कोई ऐसा पैसा नहीं बनाया जिससे रवीश कुमार को खरीदा जा सके। और एक कमेंट और बड़ा अच्छा लगा मुझे उसमें, ये था कि पत्रकार बनो तो रवीश कुमार जैसा, कि उसको खरीदने के लिए पूरी संस्था को ही खरीदना पड़ जाए। तो इस तरीके का दो ऐसी बात थी जो मतलब लग रहा था कि हाँ, मतलब उन्होंने अपनी चमक तो बनाई है, एक दिन में नहीं बनी है, करीब 30 सालों की मेहनत रही। टीवी में लेटर छाटने से उन्होंने अपना काम शुरू किया और एक स्टार एंकर बन के उभरे। और उनमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि वो बहुत चकाचौंध में रहने की कोशिश नहीं की और रहते भी नहीं है। और कई जगह इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि आजकल की पत्रकारिता बहुत आसान हो गई है, आप जिम में जाइए, बॉडी शॉडी बनाइए, मेकअप वेकअप करके आइए और बस अपने चेहरे और इन सारी चीज़ों का ही आप दिखाते रहिए और पत्रकारिता हो जाती है। तो रवीश कुमार का मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि वो ग्रामीण परिवेश से आए, बिहार से आए, तो उन्होंने अपनी भाषा को अपनी ताकत बनाई और इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार, बस इसी से उन्होंने प्राइम टाइम शुरू किया। और ये वाला जो लाइन है ना कि नमस्कार मैं हूं रवीश कुमार, ये बहुत कमेंट में आता है, लगातार आ रहा है कि अब टीवी में ये सुनने को नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर भी जाकर उनको सुन सकते हैं। और यूट्यूब पर जब से वो टीवी मीडिया छोड़कर आए हैं, यूट्यूब में 2 दिन में 2 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनको पसंद करने वाले लोग बहुत थे। और एक दो चीज और मुझे अच्छी लगी कि कहते हैं कि बीजेपी के लोग उन्हें पसंद नहीं करते, पर मैंने सोशल मीडिया पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता टाइप लोगों को भी देखा कि रवीश कुमार के लिए वो लोग लिख रहे थे और अच्छा लिख रहे थे कि बहुत अच्छे पत्रकार थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग आज श्रद्धांजलि टाइप क्यों बोल रहे हैं ऐसा कुछ। तो आज हम ना बात करने आए हैं एनडीटीवी को लेकर, ये बताने के लिए हमने लेट तो बहुत कर दिया है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी, लेकिन अब देखिए हम एक न्यूज़ चैनल अपने आप को बताते हैं तो हमें ये लगता है कि चीज़ें रिसर्च करके बेहतरीन तरीके से बताई जाएं। कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि अगर
रवीश कुमार नहीं होते तो शायद एनडीटीवी नहीं बिका होता। देखिए, रवीश कुमार होते या नहीं होते तो एनडीटीवी को बिकना ही था, क्योंकि एनडीटीवी का वो थीम ही अलग था। चाहे रवीश कुमार ने, उसमें और भी पत्रकार हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। एनडीटीवी काम क्या करता था, वो मुद्दों को उठाता था, स्टूडेंट्स के मुद्दों को, एजुकेशन के मुद्दों को, बेरोजगारी को, गरीबी को, देश में बढ़ रहे इन्फ्लेशन को, है ना, जीडीपी को, घट रही जीडीपी को, इन सब मुद्दों पे बात करता था एनडीटीवी हर पत्रकार। हाँ, रवीश कुमार एक चेहरा बहुत मतलब बन गया था, जो पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को रखते थे प्राइम टाइम शो पे अपने। और ये एनडीटीवी को गिराने की बात आजकल की नहीं है, एनडीटीवी के पीछे 2014 से ही पड़े हुए थे लोग, जब एनडीटीवी ने और मीडिया ग्रुप्स की तरह काम नहीं किया। बाकी जैसे और नेशनल मीडिया काम करती है कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम कम्युनिस्ट इंडिया पाकिस्तान जितने डिबेट आप प्राइम टाइम पे देखने बैठिए आपको सिर्फ यही मुद्दे नजर आते हैं, लेकिन एनडीटीवी में ये नहीं था। अब भाई सरकार बनती किससे है आपको ही पता है, आज की डेट में जो सरकार चल रही है वो हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान करके ही चल रही थी। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी कवर किया था, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ही हो रहा था, उसी के मुद्दे पर ये चुनाव जीता गया था। तो भाई जब ये चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है रवीश कुमार एनडीटीवी के सेट पे बैठ करके बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे, तो गिराना तो था ही। तो ये कॉन्स्पिरेसी तो बहुत पहले से ही रची जा रही थी, लेकिन अब जाके अंजाम मिला। बस मतलब सोचने वाली बात है कि इतना समय कैसे लग गया इसको, तो बहुत पहले ही ख़त्म कर देना था जो चल रहा था, क्योंकि 2014 से लगातार इनकम टैक्स ईडी ये एनडीटीवी के पीछे पड़ी थी। 2016 में भी देखिए, एक दिन के लिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एनडीटीवी को बैन किया गया था। बाकी और चैनल बताइए नेशनल मीडिया में क्या कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि किसी को एक दिन के लिए बैन किया जाए, लेकिन सिर्फ एनडीटीवी को ही क्यों बैन किया गया था आज तक, है ना। आप 10 साल 20 साल पीछे का इतिहास देखिए, कभी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी चैनल को बैन किया गया, सरकार के खिलाफ बोल रहे तो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बैन किया गया। ये चीज़ें हैं। उसके बाद 2019 में भी प्रणव रॉय के ऊपर सीबीआई की रेड हुई थी, है ना, मिला क्या। तो ये चीज़ें बहुत पहले चली। अब बात ये कि हुआ कैसे, होना तो था ही, हुआ कैसे, लोग आश्चर्य कि एनडीटीवी कैसे बिक गई। भाई एनडीटीवी का मालिक जो सरकार के खिलाफ करता है और अडानी को कैसे बेच सकता है, बात ये ना भाई, जो मुझे पसंद नहीं मैं उसको कैसे बेच दूं अपनी चीज, मैं तो नहीं बेचूंगा तो कैसे, हाँ तो ये सोचने के विषय बताते हैं कि कैसे बेच दिया गया। हाँ तो इसमें देखिए स्टेटमेंट भी उन लोगों का है, राधिका राय और प्रणव राय की, मुझे तो पता ही नहीं चला कब ऐसा हो गया। और ये जो आज हुआ है इसकी नींव 2009 में रख दी गई थी, बहुत पहले ही। हाँ, इसकी नींव कैसे रखी, एक कंपनी है VCPL, VCPL से इन्होंने लोन लिया था, क्या नाम है, प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने लोन लिया था, और उस लोन में इन लोगों ने एक बॉन्ड कह लीजिए अभी के लिए उन्होंने साइन करके दिया था कि कभी भी हमारे जो इक्विटी है एनडीटीवी की आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। मतलब उन्होंने एक लोन लिया VCPL, ये कंपनी का नाम है VCPL का है आपका, विष्णु प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इसे उन्होंने लोन लिया था और उन्होंने फॉर्म बनाया था RRPR, इनके इनिशियल्स भी वही हैं, राधिका रॉय प्रणव रॉय, ठीक है, RRPR एक कंपनी बनाई थी इन्होंने, जिसमें 100% इन्होंने एक दे दिया था VCPL को, एक बॉन्डस दे दिया था कि भाई जब मैं आप जब भी चाहें, अगर हम लोन रीपे नहीं करते हैं तो आप हमारा इक्विटी ले सकते हैं। और इन्होंने एनडीटीवी लिमिटेड में वो पैसा लगाया जिसका 29 पॉइंट समथिंग का इन्होंने शेयर लिया था। तो ये अभी हुआ क्या है कि अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, VCPL की खुद की वैल्यू 403 करोड़ की थी, 403 करोड़ की कंपनी को अडानी ग्रुप्स ने सिर्फ 113 करोड़ में खरीद लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, कोई कंपनी खुद से नहीं चलती है, कंपनी को चलाने वाले डिसीजन मेकर्स जो होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं, तो अगर कोई कंपनी गलत कर रही है ना, तो नजर में कौन आता है, डायरेक्टर। तो अब यहाँ अगर आप डायरेक्टर्स की लिस्ट देखा जाए, देखिए पहले सोचने वाली बात है 403 करोड़ की कंपनी कैसे कोई 113 करोड़ में बेच देगा, है ना, सही बात है, नहीं बेचेगा भाई, क्यों लॉस रहेगा। तो अब यहाँ आप पहले VCPL का देखिए परफॉर्मेंस, के डायरेक्टर्स को देखिए, मैं देखा जो निकाला मैंने रिसर्च में, मुझे पता चला विष्णु प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड जो 2008 में कंपनी बनी थी, इनके दो डायरेक्टर्स हैं। अब इन डायरेक्टर्स का कनेक्शन देखिए अडानी से कैसे निकलता है, इनके दो डायरेक्टर्स हैं सुदीप्ता भट्टाचार्य और संजय पागुलिया संजय पुगलिया, ये दो लोग इनके डायरेक्टर हैं। अब देखिए सुदीप्ता भट्टाचार्य का लिंक देखिए, सुदीप्ता भट्टाचार्य को एएमजी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, एएमजी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसने VCPL को खरीदा है। अच्छा, हाँ, आर्म्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, ये है एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड जिसने खरीदा है।
23 अगस्त को कंपनी बिकी है, 23 अगस्त को एमजी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने वीसीपीएल को एक्वायर किया और 26 अप्रैल 2022 को ही, मतलब 23 अगस्त 2022 को कंपनी बिक दी, उसके पहले ही सुदीप्ता भट्टाचार्य उसकी डायरेक्टर बन चुकी थी। सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, इसके बाद अडानी डिजिटल लैंप्स में 22 सितंबर 2021 को सुदीप्ता भट्टाचार्य डायरेक्टर बन चुकी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद देखिए अडानी डाटा नेटवर्क की 22 दिसंबर 2021 को ही सुदीप्ता भट्टाचार्य डायरेक्टर बन चुकी थी। तो अब यहां से कुछ भूत आता है, मतलब डायरेक्टर्स पहले ही अडानी ग्रुप में जा चुके थे, कंपनी तो बाद में गई है। अच्छा, आश्चर्य भी इस बात की है कि इन कैसे प्रणव रॉय और राधिका रॉय को इसका अंदाजा नहीं था, है कि नहीं। चलिए खैर, इसके बाद दूसरे दूसरे हैं संजय पुगलिया, सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा नाम, इनको देखिए, इन्हों ये 26 अप्रैल 2022 को ये भी एएमजी मीडिया नेटवर्क में के डायरेक्टर बन चुके थे। मतलब 23 अगस्त को कंपनी बिकती है और उसे पहले डायरेक्टर, हाँ, वो बिक गया रहते हैं, उसे 4 महीने पहले ही डायरेक्टर्स वो दूसरी कंपनी। और ये तो भाई सुजाता भट्टाचार्य जो थी वो पहले से अडानी थी, अडानी ग्रुप के लिए उसमें डायरेक्टर थी। तो ये है, थोड़ी सी ये संदेहात्मक है कि नहीं। इसलिए 403 करोड़ की कंपनी शायद 103 में बिक गई। जब डायरेक्टर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी को, देखिए डिसीजन मेकिंग, हाँ देखिए डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर के पास ही होती है, वो पावर उन्हीं के पास होती है। तो ये पहले डायरेक्टर बन चुके थे, अब हो सकता है वीसीपीएल लॉस में जा रही है, लेकिन 103 में करोड़ में बेचने का कैसा, अगर आप 29% की ही कीमत निकाली है तो 103 करोड़ से ज्यादा होता है। शेयर्स की सिर्फ काम करें, बात करें तो, है ना, जो एनडीटीवी लिमिटेड के पास थी, जो वीसीपीएल के पास थी एनडीटीवी लिमिटेड की, और वीसीपीएल अगर वीसीपीएल चाहती तो आरआरपीआर को ओन कर लेती, है कि नहीं। डायरेक्ट पूछ तो लेती, तो भाई कम से कम इतना तो करती कि पूछ लेती कि हम ऐसा की बू है बहुत जबरदस्त किस तरह। और ये एनडीटीवी को चलाने के लिए नहीं खरीदा गया है, ये एनडीटीवी को गिराने के लिए खरीदा गया है। अच्छा, इसके बाद अभी तो इन्होंने बोला है कि 26%, ये एक्चुअली सेबी का ही रूल है कि अगर आप 25% ज़्यादा किसी कंपनी का ओन करते हैं शेयर, तो आप एक ऑफर करते हैं पब्लिक को, पब्लिक ऑफर निकालते हैं कि हम 26% शेयर्स और खरीदेंगे, ये करना होता है। तो वडानी ने भी किया, तो अब देखिए कि बात ये 29% उनके पास आ चुका है, 29% का 26% और उनके पास आ जाएगा, तो ये करीब तकरीबन 55% उनके पास एनडीटीवी की होल्डिंग्स आ जाएगी। हाँ, ये होल्डिंग्स आ जाएगी, चला सकते हैं जैसे अभी तक चलता रहता था कि चांद पे होगा मोदी मोदी और ये है इंडिया के पापा, ऐसे करके तमाम चैनलों पे ये चला है, तो अब एनडीटीवी में भी चलेगा। मैं तो कोई भी ऐसी चीज, ऐसी दुकान नहीं खरीदूंगा जहाँ काम करने वाले लोग मुझे पसंद ना करते हो। एनडीटीवी का मैनेजमेंट, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट, एनडी के प्रोडक्शन, कोई भी लोग 0 to 1 मतलब जो भी टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी लोग हैं, कोई अडानी को पसंद नहीं करता है ना, उस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो उन्हें तो पूरी वो बदलनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसी संस्था कौन खरीदना चाहेगा जहाँ की सब रिसोर्सेज ही बदलने पड़ जाए, है कि नहीं, जहाँ की मैन पावर सारी चेंज करनी पड़ जाए। क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन सोच सिर्फ यही है जो बहुत मुश्किल, देखिए हो सकता है लेकिन कितने परसेंट लोग। तो ये सीधा सीधा है कि ये चलाने के लिए नहीं, इसको डुबाने के लिए खरीदा गया है, खैर ये है। अच्छा, इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि क्या 26% आ पाएगा कि नहीं, मतलब हाँ अडानी को 26% और मिलने पाएगा, तो उसकी भी रिसर्च निकाली हमने, उसमें क्या पता कि देखिए अब 29% तो अडानी के पास आ गए हैं। अडानी मतलब एएमजी, आर्म ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, इनके पास, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसके बाद इसका 29,691 इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति ने खरीदा है, ठीक है। तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल देना, इंडिविजुअल्स तो नहीं देंगे कि 384 रुपए का जो शेयर अभी चल रहा है एनडीटीवी का, उसको वो 294 रुपए में बेच देंगे 100 रुपए लॉस में, तो इंडिविजुअल्स नहीं आने वाले हैं शेयर्स को अडानी को देने के लिए इतने 100 रुपए के नुकसान पे, क्योंकि उनका सिर्फ मकसद होता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। हाँ, प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर 3-4 कंपनियों के लिस्ट के नाम आते हैं, जैसे सबसे बड़ा नाम है LTS इन्वेस्टमेंट फंड, इनके पास एनडीटीवी लिमिटेड के 9.75% शेयर हैं, 9.75% शेयर्स एनडीटीवी लिमिटेड के इसके पास है, LTS इन्वेस्टमेंट फंड। अब LTS इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब इसका जब डाटा हमने निकाला तो पता चला कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए LTS का इन्वेस्टमेंट टोटल 17,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस कोल इंपोर्टर कंपनी है अडानी की, NTPC ने कॉन्टैक्ट दिया था
अडानी एंटरप्राइज को ही, सबसे ज़्यादा कोल इम्पोर्ट करती है NTPC अडानी एंटरप्राइजेस से ही, और 10 गुना रेट पर इम्पोर्ट करती है, इसकी भी अलग कहानी है। ठीक है, मतलब जो 2000 रुपये पर टन बिकता है वो 17000 रुपये पर टन के हिसाब से अडानी NTPC बेचता है, ये अलग कहानी। तो अडानी एंटरप्राइजेस में 7426 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है LTS का। इसके बाद अडानी ट्रांसमिशन में 4916 करोड़ रुपए का इनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अडानी टोटल गैस में 4257.4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है LTS का। तो अब टोटल 17707 करोड़ रुपए में 16845.6 करोड़ रुपए तो इन्होंने अडानी की कंपनी में लगा रखे हैं। तो ये क्या गारंटी नहीं है कि 9.75% बेचेंगे नहीं, ये बिकेगा, दे देंगे आराम से, दे देंगे, है ना। तो इस हिसाब से उनके पास 30% होल्डिंग आ जाएगी ये करने के बाद। इसके बाद और भी कौन है, विशाखा इंडिया EIF फंड 4.42% इनके पास है। ठीक है, दोनों मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। इसके बाद आता है ड्रोलिका एजेंसीज 1.48, GRD सिक्योरिटीज 2.8, आदेश ब्रोकरी 1.5 और कन्फर्म रियल बिल्ड 1.33। इनका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन अडानी से बताया जा रहा है। मतलब ये पूरी जो है ये प्लानिंग के तहत काम हुआ है। मतलब ऐसे समझिए कि जो मैं समझ पा रही हूँ, वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बहुत दिन से सोचा जा रहा था कि मतलब ये एक आवाज़ है जिसको बंद करनी है, तो आवाज़ नहीं बंद कर पाए तो फिर एक चीज़ और सोचिए इसमें। एक चीज़ जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई चीज़ मुझे गिरवी रखी है, ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ गिरवी रख दी अपनी, तो जब आप मुझे वो जिस पैसे के अगेंस्ट में आपने गिरवी रखा है वो पैसा आप मुझे रेपे नहीं करोगे तो मैं उसे बेचने जाऊँगा, लेकिन एक बार बताऊंगा तो मैं आपका ये सामान बेचने जा रहा हूँ। वही बात है, क्यों मैं बताऊंगा तो भाई आपका ये सामान कि मैं चुपके से ले बेच दूंगा, अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर इनका कहना क्या है अरुंधति राय और प्रणव राय को कि भैया मुझे पता भी नहीं चला, जबकि लीगल तौर पर बताना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा थोड़ा शंका पैदा करती है, और शंका क्या, ये तो हकीकत है, खुली चीजें हैं, है ना। तो तभी सोशल मीडिया पे तो चल भी रहा था कि पत्रकार ऐसा बनो कि तुम्हें खरीदने के लिए पूरा चैनल ही खरीदना पड़ जाए। तो ये बाकी आगे देखते क्या होता है आगे। तो NDTV का NDTV लॉस में चल रही थी, तो एक में एक दिन ऐसा होता कि NDTV लॉस में नहीं चल रही थी। अभी मैं एक आंकड़ा इसका भी है, और रवीश कुमार तो कई जगह चैनल में कहते भी मैं जीरो TRP वाला है। वो जो भी है वो स्टंट कह लीजिए जो कह लीजिए मुझे नहीं पता, लेकिन एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ। जब लॉस में चल रही थी तब चल रही थी, लेकिन फिलहाल मैं 1.5 साल पुराने का आंकड़ा लेकर आ रहा हूँ। 1 जनवरी 2021 को NDTV की शेयर की वैल्यू थी 41.30 रुपये, और आज की डेट में उसकी 384 रुपये शेयर है, है ना, लगभग 10 गुना के रेट से उसके शेयर। मतलब फैलाया जा रहा था कि NDTV लॉस, नहीं 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 लॉस में नहीं चल, नहीं नहीं एकदम लॉस में नहीं। मतलब मुझे एक बात बताइए, क्या अडानी जी इतने मूर्ख हैं कि कोई मतलब खराब सी चीज खरीदने जाएंगे? जैसे NDTV लॉस में चल रही होती तो खराब, मतलब खराब कर सकता है आदमी, खरीद सकता है। नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि NDTV तो ऐसे भी लॉस में जा रही थी, एक दिन वो बिक ही जा रही थी। लॉस में नहीं थी, मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। 1 जनवरी 2021 को 41 रुपए और आज 384 रुपए, 10 गुना, है ना। बहुत सही चल रही थी। देखिए ये एक आंधी है जो कई दिनों से लगातार चल रही है। मतलब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं कुछ बुरा कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये तक कह दिए कि ये जो उत्पात मचा रहे थे अब मैं TV में ना मचा के YouTube पर मचाएंगे, तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना सोचने और समझने का तरीका है। पर एक पत्रकार होने के नाते ये लगता है कि मतलब इस तरीके से किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। मतलब आपकी आपसी किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ानी, किसी को भी नहीं उड़ानी चाहिए, तो गलत बात है। खैर, तो मतलब ये सीधे सीधे हमने ये खोज कर निकाला कि कैसे ये साजिश बहुत पहले से चल रही थी कि NDTV को खरीदना है खरीदना है खरीदना है, और ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये काफ़ी दिनों की तैयारी है, और उसी का नतीजा अब हम और आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ अब हम रिसर्च करके बता रहे हैं, ये नहीं, इससे पहले भी रवीश कुमार को ये बात पता थी, कई मंचों पर उन्होंने ये कहा था कि जब NDTV बिक जाएगा तो मैं कहीं से भी खबर पढ़ दूंगा। तो इसके बाद ये कई बार इन्होंने कहा कि एक जगह उनका 2-3 चीज़ बहुत वायरल हो रहा है। एक मंच पे वो ये भी कह रहे थे कि सेठ के पास बहुत पैसा है तो वो सबको खरीद पाएंगे लेकिन मुझे नहीं। तो रवीश कुमार मतलब पत्रकारिता जगत के एक ऐसे कोहिनूर हैं जिन्होंने
अपनी जो उनका तरीका रहा ना उससे वो उन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश की। मतलब जब वो बहुत पहले उनका रवीश की रिपोर्ट उसी से उनका नाम बनाया और 30 सालों से उन्होंने इस फील्ड में काम किया है और लोगों ने भी उनको भरपूर प्यार दिया है। उसी का नतीजा है कि NDTV में वो रहें या ना रहें लेकिन जहाँ भी रहेंगे चमकते ही रहेंगे। यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन क्रॉस हो चुका है उनका जो सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है उसके बाद शायद ऐसा ना हो। ऐसा नहीं, उनके फॉलोअर हैं, उनका फॉलोअर बेस जितना स्ट्रांग है उतना शायद किसी और का होगा। हाँ। तो वो होने वाला नहीं। रवीश का चेहरा 30 सालों में बना है। ये नहीं है कि आज आए और कल फेमस हो गए। नहीं, कहने की बात है। सबसे बड़ा रवीश का कंप्यूटर कोई नहीं है उनके जैसा, कोई कटाक्ष नहीं, कटाक्ष नहीं, जिसे वो देखे जो जो दिखे जो उनके सेट ऑफ व्यूअर्स हैं वो किसी और के नहीं है। तो वो उस रेस के अकेले घोड़े हैं। तो बस उनको पछाड़ने वाला कोई नहीं है। उस तरफ दो 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 तरफ बटा हुआ है। एक तरफ ज्यादा लोग हैं, ज्यादा चमकते स्टार एंकर हैं और उस तरफ कंपटीशन ज्यादा, और सर बता रहे हैं इस तरफ अकेले रवीश कुमार हैं और उनके कंपटीशन बस बस वो उस रेस के घोड़े जहाँ वो अकेले दौड़ रहे हैं। हारना भी उनका, जीतना भी उनका। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो कहने वाली बातें हैं कि 4 दिन की चांदी नहीं है अभी। तो वो है ना, आगा अच्छा है तो उनका भैया काम भी अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। अब तो मेरे ख्याल से और अच्छा काम होगा उनका। अब तो पहले जो थोड़ा वो प्रेशर होता था वो अब और नहीं होगा। अब अपने मन से वो आराम से जो उन्हें सही लगता है वो बोल पाएंगे। थोड़ा अगर प्रेशर पड़ता संस्था का तो वो भी अब नहीं पड़ेगा। अब नहीं, अब तो इंडिविजुअल है। जी जी जी। तो हमने काफ़ी देर बाद ही सही, लेकिन हमारा मन था कि हम इस मुद्दे पर कुछ बात करें। और हमने जो रिसर्च किया है उससे आपने क्या समझा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे साथ विजेंद्र सर थे जो काफ़ी रिसर्च वर्च करके हमारे लिए बहुत सारा डाटा निकाल कर लाए थे और ये बता रहे थे कि कैसे संदेह तो है ही, मतलब कि कैसे NDTV बिका, बिकने से पहले बताया तक नहीं गया ये कारण, और दूसरा ये कि डायरेक्टर पहले ही मूव ऑन कर चुके थे। तो ये सारे ऐसे गुत्थी है जिसको सुलझाना बहुत आसान नहीं है। तो ये इसको समय पे ही छोड़, पैसे की लड़ाई चल रही है बहुत तगड़ा। अब अडानी को रोकने के लिए उससे कोई अमीर पैसे वाला आएगा तो अडानी को रोक पाएगा, ये बात है। ठीक है, नमस्ते। नमस्कार।